जब उन्हें देने की बारी आती है तो कहते हैं उन्हें घर पर रहना चाहिए, उन्हें काम नहीं करना चाहिए। आज भारतीय महिला के द्वारा रचित और निर्देशित इसी का द्वारा इसी मुद्दे पर आवाज उठाने आए हैं। अरे और रामू की माँ आज फिर से जमींदार ने हमें कर देने से मना कर दिया, आज फिर से मना कर दिया, अब हमारा घर कैसे चलेगा, हम अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे। कैसी परीक्षा ले रहा है जो हमारी, हमारे तो दोनों बैल भी उसके पास गिर भी पड़े हैं और हमारे खेत भी उसके पास है। बापू बापू आ गया धन्ना लायक, खेल रहा था घर में खाने को, अंधा दाना नहीं और तुम खेल रहे थे, निकल जा मेरे घर से, कोई खाना नहीं मिलेगा, निकल जा मेरे घर से। अरे मंगलू हुजूर हुजूर क्या कह रहे हैं, हुजूर हमारा बेटे का बच्चा खाना खा रहा है, मैं आपका पाई पाई लौटा दूंगा। अरे बात करो पाई पाई का, मुझे खाना जीत रहा है बुलाइए। अरे रामू की माँ बिटिया को बुलाओ, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे मंगलू क्या हो रहा है, मेरी बिटिया की शादी हो जाने दो हुजूर। अरे नहीं मंगल तो कोई नहीं बनाएगा, तुम्हारे बाप हमारे देने का कर्जा नहीं है और तुम बिटिया शादी का कर रहे हो। मेरे इज्जत का सवाल, पहले हटाओ, पहले पैसा हमारा था शादी होगी, हटाओ पहले। देखो कैसी कहर की खेली जा रही है, अब की लग रही है आज बाप को बेटी की डोली। देखो कैसी घटी ये घटना, टूटा आम इंसान का सपना, आम इंसान का सपना, आम इंसान का सपना। सुनो 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 सारी, सुनो 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 सारी। अरे भाई इस बार के सूखे ने तो हालत खराब कर रखी है और ऊपर से कर्जे ने कमर तोड़ दी है, इस बार तो फसल भी इतनी है कि बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा। ठीक कह रहे हो भाई, ऊपर से वो जमींदार रामखोर, उसका कर्ज है कि द्रौपदी का चीर खत्म ही नहीं होता कभी। अब इस जीवन में कुछ ना हो पाएगा भैया, हमें तो अपनी बिटिया की पढ़ाई भी रोकनी पड़ेगी, यहाँ पर तो गरीबों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। रामू के बापू का तो रो रो के बहुत बुरा हाल है,
बहुत परेशान है। अरे अरे तो मैनेजर साहब है, राखी मिला बहन की, हम जाना थे। नमस्ते 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 नमस्ते। तुम सभी गांव वालों की समस्याओं को दूर करने आए हैं, हम सरकार ने भेजा है हमें तुम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए। अरे नहीं नहीं गांव वालों, इन सब की ना सुनियो, ये सब पैसे वाले लोग किन जैसे होते हैं। अरे ऐसा नहीं है, सरकार की विभिन्न योजनाएं केवल बैंक के माध्यम से चलाई जाती है, जैसे की प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सिर्फ जीवन के लिए, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपको एक्सीडेंट से मृत्यु होने पर आपको बीमा कवर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो कि आपकी फसल को सुरक्षा प्रदान करती है। कमाने को धेला नहीं है यहाँ, और ई मैनेजर साहिबा आ गई है बीमा का पैसा लेने। ई शरीर छोड़ के सब कुछ कर्जे पे गिर भी पड़ा है हमारा। ऐसा नहीं है, सरकार की ऐसी भी बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती आपको। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई योजना लॉन्च की है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके अंतर्गत 3 योजनाएं चलाई जाती है, शिशु योजना जिसमें 50,000 तक का लोन, और किशोर योजना जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन, और तो और 5 लाख से 10 लाख तक का लोन इसमें तरुण अवस्था तरुण योजना के अंतर्गत दिया जाता है, जो कि कुछ भी बिना गिरवी दिए रखा दिया जाता है। इसमें आपको कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। और मैडम हमारी बिटिया की पढ़ाई? आपकी बिटिया की पढ़ाई भी होगी, हमारी सरकार ने एक विशेष योजना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना भी चलाई है, जिसके अंतर्गत आप अपनी बिटिया को उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोन बहुत ही सस्ते ब्याज दर पर ले सकते हैं, जिससे आपकी बिटिया पढ़ेगी, पैसा सरकार देगी, उसके बाद सरकार उसको व्यवसाय स्थापित करने के लिए भी लोन देती है, जिससे वो अपना व्यवसाय स्थापित करेगी और कर चुकाएगी। इस तरीके से आपकी बिटिया पढ़ेगी भी, कर्ज भी चुकाएगी और घर को भी चलाएगी। ये हमारी बहन बेटियों से काम करवाएंगे, अभी हमारा जमीन जिंदा है। ऐसा नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है, सुनो हमारी जमीन ही अमली सब कुछ है, हम यही काम करेंगे। मैडम मैडम मैडम, ऐसा है इस गांव में जन्म से लेके अर्थी तक चौधरी सब कुछ करता है, हमारे गांव का चौधरी हमारा अपना है, वही हमारी। सुनो बात तो सुनो, आप जाइए मैडम, आप जाइए, आप जाइए मैडम, नहीं चाहिए। देखो इस गाँव की विडम्बना, अब भी पूछते हैं उसको जिसने तोड़ा इनका हर एक सपना, आओ निभाए अपना फर्ज, पढ़ा लिखा कर दिलाए ने सस्ता कर्ज। सुनो 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 सुनो, अरे चौधरी साहब का घर यही है भैया। जी मैडम। चौधरी साहब हैं घर पे? जी मैडम। उनसे कहो जरा बैंक से कोई मिलने आया है। हुजूर हुजूर, हाँ, कोई महिला मैनेजर बैंक से मिलने आई है। बुलावा तो नहीं मैडम का, मिला देखा कहा है? मैडम मैडम हुजूर बुला रहे हैं। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। अरे आपकी और आपके गांव वालों की मदद के लिए आए हैं हम, सरकार ने भेजा है हमें। आप हमारी मदद करेंगे मैडम? देखा कि मैडम हमारी मदद करेंगे। अरे करेंगे आपकी मदद, जरा गांव गए थे आपके घूमने, वहाँ तो लोग बहुत पूजा करते हैं आपकी, सुना है आप उनकी हर प्रॉब्लम में सहायता करते हैं। मैडम हमारा गाँव है, जन्म से लेके अभी तक सब हम ही देखा थे, आप लोग तो कभी कभी आवत हो। पैसा उधार भी देते हैं ब्याज पर? ये तो मैडम धंधा है हमारा। अच्छा हाँ। लेकिन क्या कोई जोखिम नहीं है? पैसा उधार देते हो तो समय पे वापस मिलता है? जोखिम तो है बस। उसी जोखिम को दूर करने आए हैं हम। वो कैसे मैडम? ऐसा करते हैं, अब जो आपका पैसा है वो आप हमें दो, और सरकार को पैसा और गांव को पैसा हम देंगे, सरकार देंगे। हमारे पैसा में तो घुन लगी है। ना घुन लगी चौधरी साहब, आप अपना पैसा हमें दे, बैंक उसको निर्धारित समय में दुगना कर देती है, और वो भी बिना किसी जोखिम के। ऐसा होता है? सुना है ना ऐसा भी होता है। करके दिखाओ तो माना। करके दिखाएंगे, बैंक आना बैंक, जरा तनी गाँव वालों को समझाओ। मैडम कोनो गाँव वालों की मजाक लाइए की आपको निकाले, हम समझाएंगे। है आज सुनी जमींदार ने बैंक की बात, थमा है जमींदार ने बैंक का हाथ, दूर होगी अब गांव वालों की कंफ्यूजन, क्योंकि शुरू हो गई। सुनो 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 सुन
कछु ना हो सके। सही कह रहे हो भाई, हमरे पास तो बेटे को डॉक्टर को दिखावे तो पैसा नहीं है। और वो मैनेजर आई थी बैंक से, एक तो कहती है सरकारी योजना चल रहा है, ई कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। मजाक बना रखा इन लोगों ने हमारी जिंदगी का, गरीबी अभिशाप है भाई। अरे कौन मैनेजर साहब को गाली दे रहा है? माई बाप ही कह रही थी कि हमको लोन देंगे, हमारी बहू बेटियों से काम कराएंगे ये लोग। अरे मैनेजर साहब ने हमको तो समझा दिया है, जब बेटियां पढ़ेंगी तभी गांव आगे बढ़ेगी, इनका पैसा हमारा ही पैसा समझो। अरे क्या फर्क पड़ गया, पहले चौधरिया खून चूसता था, अभी मैंने अभी बाबा चौधरी साहब। अरे सुनो बात सुनो, हमारी बहुत अंतर है चौधरी साहब के हमारे पैसे में। सरकार का पैसा है ये, सरकार का जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलता है, सस्ते ब्याज दर पर मिलता है और कोई जोखिम नहीं, इंस्टॉलमेंट में लौटाना होता है समय समय पे। समझ आया मैडम? हमारी बिटिया की शादी हो, हाँ आपकी बिटिया की शादी हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी। हाँ लौटाएगा, सब हो जाएगा। आप हमारी बैंक में आइए, अपना हाथ बढ़ाइए और सरकारी मदद से हाथ जोड़िए। हर मुसीबत को भगाना, किसानों अब खुशहाल बनाना, बैंक को गांव के हर घर घर तक पहुंचाना, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का जमाना है। भारतीय महिला बैंक का बेहतरीन प्रस्तुति। इसी क्रम में प्रस्तुत है ब्लैक होल आर्ट्स समूह द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति। जोरदार तालियों से